फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे टॉपिक इज कंपैरिजन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डू नॉट चेंज द सब्सटेंस, मींस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. मींस टीयरिंग ऑफ पेपर है, पेपर को हम जब फाड़ते हैं तो पेपर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं होती हैं. तो ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज और प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी. अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. तो सबसे पहले लेते हैं हम डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मेटल्स की डेंसिटी जनरली क्या होती है? हाई होती है. और नॉन मेटल्स की डेंसिटी है वो लो. इसके बाद सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स कोई भी सब्सटेंस किस पॉइंट पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है और किस पॉइंट पे बॉइल करना स्टार्ट करता है. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसके बाद आता है लस्टर. लस्टर मीन्स शाइनी इन नेचर, मीन्स इनको हम पॉलिश करके चमकदार बना सकते हैं. तो मेटल्स हैं वो क्या है? शाइनी अपीयरेंस, दिखने में चमकदार होती है. कैन बी पॉलिश, इनको पॉलिश भी किया जा सकता है. नो साइन और नॉन मेटल है नो शाइनी अपीयरेंस, मीन्स इनमें कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है, चमकदार नहीं होती, डल शेड की होती है. इसके बाद नेक्स्ट आता है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. तो सबसे पहले दे आर जो मेटल्स हैं वो मैलिएबल होती हैं. मैलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी हैमर इनटू थिन शीट्स, इनको प्रेस करके और छोटी छोटी मतलब कि थिन शीट्स मीन्स चद्दर शेप में भी इनको मोल्ड किया जा सकता है. सेकंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी या डक्टाइल. तो दे कैन बी डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स इनको हैमर करके और एक वायर की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. इसके बाद है नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल. नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर हैं. इसके बाद नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं दोनों की, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की. फिजिकल स्टेट, जो मेटल्स हैं फिजिकल स्टेट में दिखने में कैसी हैं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे? तो सॉलिड है ये जो मेटल्स हैं वो सभी क्या है? सॉलिड, केवल मरकरी को छोड़ के. किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के. और जो गैलियम है उसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये भी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसको नाइफ से कट कर सकते हैं हम, इसलिए गैलियम भी ऐड है. अब नॉन मेटल का केस आता है. तो नॉन मेटल में मतलब कि मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में होती हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में होती हैं रूम टेम्परेचर पे, और ब्रोमीन है वो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर. इसके बाद नेक्स्ट आता है सोनोरस, मीन सोनोरसिटी. तो जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होती है नेचर में. इसका मतलब क्या है? दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेटल्स पे स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. नेक्स्ट आता है टेंसिल स्ट्रेंथ. टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब इनकी स्ट्रेंथ. तो जो मेटल है वो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, मीन्स मजबूत होती है, स्ट्रोंग होती है. और नॉन मेटल्स हैं लो टेंसिल स्ट्रेंथ, सॉफ्ट होती हैं ये. इसके बाद आता है एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स क्या होते हैं? मतलब कि एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म, नेचर में ये एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट हो. तो मेटल्स हैं वो तो एलोट्रोप्स फॉर्म नहीं करती, दे डू नॉट शो एलोट्रोप्स. बट नॉन मेटल शो एलोट्रोप्स लाइक एज कार्बन. कार्बन के आपने देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ये क्या है? एलोट्रोप्स.